हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं मॉकअप राउंड काउंसलिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे हम कि आप लोग को बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग का एडमिशन कब कैंसिल करवाना है अपने पुराने वाले कॉलेज से, और क्या कॉलेज में वो मिलने के बाद अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आपके पास जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप होगा जिस पे लिखा होगा वेरीफाइड 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 सारा डॉक्यूमेंट, तो वो हमारे हिसाब से जहाँ तक पता चला हमें दो दिनों में कि वो काम आता है अपग्रेडेशन के टाइम पे। यहाँ तक कि 2019 में जो मॉकअप राउंड हुआ था उसमें वो काम आ गया था, लेकिन इस बार आप लोगों को उसके साथ साथ बोनाफाइड लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। इतना हमें पता चल चुका है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखना होता है। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा अप्लीकेशन का तो हम आप लोग को दे देंगे, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आपका, और कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिस पर लिखा होता है कि हाँ ये लड़का हमारे कॉलेज में इतने से इतने दिनों के बीच में पढ़ाई चल रहा है और एडमिशन है। तो ये एक प्रूफ होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। उस पर डॉक्यूमेंट वाला भी रहता है शायद, और हर कॉलेज में अलग अलग तरह के मिलते हैं तो आप लोग ले सकते हैं उसे। इसके अलावा अगर आप लोगों को वो कॉलेज जो अलॉट हो गया, ठीक है, आप गए वहाँ पर BCC ऑफिस और आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया कोई भी, तो क्या आपका पुराना वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा? तो ये आपके हाथ में, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसको आप कैंसिल कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इसे कैंसिल कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये भी हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से चूज कीजिएगा कॉलेज कि कौन सा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हमारे हिसाब से मॉकअप आप उन्हीं सब कॉलेज को चूज कीजिएगा जो पुराने वाले कॉलेज से बेटर हो। और इसके अलावा कि आप लोगों का एडमिशन कैंसिल कब कराना है, कैंसिल तब कराना है जब कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा मॉकअप राउंड के थ्रू। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि पहले ही जाकर डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे, कैंसिल करा देंगे। भाई, अगर वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं मिला तो फिर तो आपका गया एक साल, फिर आपको 2020 का जेई में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती है जो पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आपको बोनाफाइड का भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, बोनाफाइड का फॉर्मेट ऐसा होता है, और वो जो वेरीफाइड वेरीफाइड होता है वो भी आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को लेकर जानी है BCC बोर्ड ऑफिस में, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो लोग मांग देते हैं तो ऐसा ना हो कि आप लोग पास वो डॉक्यूमेंट ना हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक दो दिन का टाइम है और डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आपके पास चांस भी नहीं रहेगा कि आप अगले दिन डॉक्यूमेंट ला कर उन लोगों के पास जमा कर दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा वीडियो। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो पूरा नहीं देख पा रहे हैं, हाफ वीडियो देखते हैं और कमेंट बॉक्स में चले जाते हैं कमेंट करने के लिए, लाइक ये कैसे होगा ये कैसे होगा। भाई, पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट में कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, हम आप लोग को बिल्कुल 100% सिक्योरिटी रिप्लाई देंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।